तरीके तालिबान अफगानिस्तान एक हकीकत है, तरीके तालिबान पाकिस्तान एक फितना है जिसका हमने मुकाबला करके शिकस्त उसका करवा दिया था। और जो उनका कैदी इधर थे वो भी रहा, जो उनका कैदी अफगानिस्तान में थे वो वहां से रहा हुआ, तो आपने कहा आए इधर पाकिस्तान में रहे, हम आपका मेजबानी करेंगे। कल परसों इमरान टीवी पे आके बयान देता है कि मैंने 50,000 इस किस्म के तालिब को लाके पाकिस्तान में बसाना। तो हमें इम्पोर्टेड जो कहता है वो खुद दहशत गर्दी को इम्पोर्ट कर रहा था। आज पाकिस्तान उस सूरत हाल में है कि एक बार फिर दहशत गर्दी अपना सर उठा रहा है। हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये तय कर चुके हैं कि जो भी ये एक्सपेरिमेंट था, इमरान का अपीजमेंट का पॉलिसी था, वो हम नहीं मानते हैं। हम पाकिस्तान में पाकिस्तान का आईन का रिट कायम करेंगे। जो दहशतगर्द है, जो दहशतगर्दी कर रहा है, करना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, पाकिस्तान दुश्मन अनासिर फिर सर उठाने लगे हैं और दोबारा मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौमी सलामती कमेटी ने दहशतगर्दों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना ली है और उन्हें कुचलने के लिए भरपूर तैयारी भी कर ली है, मगर हुक्मरान दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने की बजाय आपस में दस्तोगिरेबां हैं। भरपूर सियासत की जा रही है, मलबा एक दूसरे पर डाला जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान ने दहशतगर्दों को इम्पोर्ट किया और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों को भत्ता और पैसा देती है। कलदम TTP के मामले पर पाक अफगान ताल्लुकात में भी वाज़ेह तनाव देखने में आ रहा है। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है कि दहशतगर्द अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, सरहद पार से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रहा है। अलबत्ता अमेरिका ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक पाकिस्तान के मौकफ की हिमायत की है और वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करना पाकिस्तान का हक है, मगर आज कलदम TTP ने पीपल्स पार्टी और PMLN को खुली धमकी दी है कि अगर दोनों जमातें अपने मौकफ पर कायम रही, फौज की गुलामी करती रही, तो फिर उनके सरकर्दा रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक्सपर्ट्स के लिए हमारा सवाल यह होगा कि